तो एक बार फिर से आ गए आप लोग। तो भाई बहुत कुछ है आज के पिटारे में, सब कुछ निकाल के आपको देने वाला हूँ। तो यार वीडियो आखिर तक देखना और कहीं पर भी बीच में छोड़ मत देना, लेकिन उससे पहले कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कर दो शेयर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। तो भाई सबसे पहले जो अपडेट है वो निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से, यानी कि हमारी वंचित बहुजन अघाड़ी को लेकर एक अपडेट निकल कर आई है। आपको पता ही होगा कि प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उनका सिंबल था कप बसी, यानी कि जो चाय वाली प्लेट रहती है ना कप बसी जिसे बोलते हैं वो था। लेकिन दोस्तों अब चुनाव आयोग ने इनका सिंबल चेंज कर दिया है, अब विधानसभा का चुनाव वीपीए वंचित बहुजन अघाड़ी लड़ेगी गैस सिलेंडर के ऊपर, इनका सिंबल होगा अब गैस सिलेंडर। इस बात की कंफर्मेशन खुद प्रकाश अंबेडकर जी ने की है, तो आप लोग ये वीडियो देखिए। इलेक्शन कमीशन ने वंचित बहुजन अघाड़ीला या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये गॅस सिलेंडर हे चिन्ह दिलेलं आहे। सर्व मतदारांनी गॅस सिलेंडर हे लक्षात ठेवावं आणि वंचिताचं सिंबॉल आहे हे। तो भाई एक बात तो क्लियर हो गई की महाराष्ट्र के सभी बहुजन समाज के लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को इस बार ईवीएम में उंगली करनी है गैस सिलेंडर के ऊपर। आप लोग भी चाहते हैं अगर प्रकाश अंबेडकर जी अगले महाराष्ट्र के सीएम बने तो भाई नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा आज हमारे देश का 73वां स्वतंत्रता दिवस है, तो दोस्तों इस मौके के ऊपर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान करते हुए भूपेश बघेल जी ने कहा है कि अब छत्तीसगढ़ में 72% आरक्षण होगा। तो भाई नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी वाइज कितना किसको मिलेगा। ओबीसी को मिलेगा क्या बोलते हैं 27% आरक्षण, एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति को मिलेगा 13% आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति को मिलेगा, वो वहां पर बहुसंख्यक है छत्तीसगढ़ में इसलिए 32% आरक्षण, यानी कि टोटल मिलेगा 72% आरक्षण। आप उन्हीं के मुख से सुन लीजिए, उन्होंने ये ऐलान किया है। राज्य के अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को शासकीय सेवा में सीधी भर्ती का लाभ दिया जाएगा। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, हमारे प्रदेश का अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग तबका काफी शांति ढंग से अपने अधिकारों की बात करता रहा है। उनके संविधान सम्मत अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में निवासी अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13% तथा अन्य पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। भाई हम लोग कह सकते हैं कि इस बार देश के वंचित वर्ग को एससी एसटी ओबीसी को इस बार भूपेश बघेल जी ने एक तोहफा दिया है और मोदी जी ने हर बार की तरह ठेंगा दिया है। तो भाई चलिए सबकी अपनी अपनी इच्छा है, तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे भूपेश बघेल जी के इस डिसीजन के बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, अभी 6 अगस्त को आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा दिया गया, 35 ए भी हटा दी गई। इसको लेकर लोगों का ये कहना था कि बाबा साहब चाहते थे कि आर्टिकल 370 कश्मीर पे नहीं लगाया जाए, कुछ लोग ये कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि बाबा साहब इसके पक्ष में थे कि आर्टिकल 370 कश्मीर में लगाया जाए, काफी ज्यादा बहस हो रही थी, काफी ज्यादा अपने अपने लोग तर्क दे रहे थे, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं था। अभी एक वीडियो है मेरे पास द वायर का, जिसमें पत्रकार विमलेश जी, प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हैं और डिबेट कर रहे हैं। इसमें आपको मैं छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, अगर आप इसके माध्यम से समझ गए तो भाई समझ जाओगे, नहीं तो फिर है चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो लोग मैंने पढ़ा, जितना सुना भाषण, तो ये कहते थे ना कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे बताएंगे। तो जिनको भी इन्होंने कोट किया है, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया साहब, जिनको भी, इनसे एक चुनौती है आपके चैनल के माध्यम से, इस फोरम से, कि आप हमें वो पेज नंबर बता दो जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैं 70 का विरोधी हूँ, तो पेज नंबर नहीं बताएंगे कभी भी। इनको पहले ये बात बोलने से पहले कम से कम अंबेडकर साहब का जो रेजिग्नेशन। तो मित्रों आप क्या चाहते हो, आपका क्या कहता है मन आर्टिकल 370 और 35 ए के बारे में, जो भी डिसीजन है भाई नीचे कमेंट बॉक्स है वहां पर जाके टाइप कर दो। भाई अब अगला वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ऐसा वीडियो है, तो इससे आपको पता चलेगा कि देश के संविधान पर किस तरीके से वार किया जा रहा है, किस तरीके से देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है, वैसे राइमिंग तो बन गई। तो भाई तो देखिए आप विमलेश जी का ये विश्लेषण, किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट क्या बोलते हैं नागालैंड में
वहां की जो एक पार्टी थी विपक्षी पार्टी थी उसके 10 विधायक अपने साइड कर लेती है और मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाती है। संविधान निर्माताओं को तार तार कर दिया जाता है। आप ये वीडियो देखिए, इसके माध्यम से छोटे से क्लिप के माध्यम से समझिए, नहीं तो आप पूरा वीडियो भी जाके देख सकते हैं न्यूज क्लिप के ऊपर, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्या गजब का खेल है, भारत के संविधान के निर्माता अगर आज होते तो उस संविधान की थज्जियां उड़ाने पर वो उनकी कपकपी उनको होने लगती, क्योंकि भारत के संविधान जब लिखा गया था उस वक्त पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, पार्टियों का नाम नहीं था, लेकिन आज जो तंत्र चल रहा है वो जनता का नहीं बल्कि पार्टी का तंत्र है। इसको जनतंत्र आप कहिए या पार्टी तंत्र कहिए, ये आप संविधान में किए गए संशोधन के। तो भाई आप देख सकते हैं, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इसमें बताया जाएगा कि देश के संविधान को किस तरह से तार तार किया जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा। तो भाई आपने कभी ना कभी बचपन से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं ये बात तो सुनी होगी, किसी ना किसी आंदोलन में ये नारा तो सुना ही होगा, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। ये कहीं ना कहीं आजकल हमारे देश में फिट होता है पजल की तरह। तो भाई आपको बता दूं, मेरे पास एक और वीडियो है शंभू कुमार जी का, जिसमें वो बता रहे हैं कि इस आजाद देश में जो वंचित वर्ग है, बहुजन वर्ग है, एससी एसटी ओबीसी है, उसको न्याय अभी भी नहीं मिलता, जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ अभी भी मिलती है, और देश में कुछ परसेंट लोग हैं जो इनके ऊपर राज कर रहे हैं, ये बहुसंख्यक होके भी अभी वंचित ही है। उस समय लेफ्ट विंग के पत्रकार थे, वो दिखाते थे कि गरीबी है, लेकिन उन्होंने कभी जाति की बात नहीं कही, उन्होंने कभी जाति को लेकर सवाल नहीं उठाया, समझ में भी नहीं आता था। आज सवाल समझ में आने लगा है, इसलिए मैंने सोचा कि स्वतंत्रता दिवस पर जब आप छुट्टियां मना रहे हैं, क्या आप सचमुच स्वतंत्र हैं अगर आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं? इस देश में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, मैं 2500 साल पहले की बात जाऊँगा, क्योंकि 2500 साल पहले से पहले भारत सचमुच सोने की चिड़िया थी, जब मौर्य वंश का शासन था, जब सम्राट अशोक थे। तो भाई शंभू जी का ये पूरा वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हो। लेकिन शंभू जी ने एक बात बहुत सही बोली कि 2500 साल पहले से पहले ये भारत देश वाकई में ही सोने की चिड़िया रहा होगा। तीन बार ऐसे लगा क्योंकि भाई ज्यादा वजन पड़ता ना बोलने से। तो भाई सबसे पहले आज भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और सभी आजादी महसूस करें इस आजाद देश में, लोकतंत्र जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद, और संविधान को बांधने वाले सभी लोग जिंदाबाद। तो भाई आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और ऐसे ही रोजाना अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट से जल्दी से लाल कलर के बटन को दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।